नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों अभी अभी मैंने फिल्म पठान का ट्रेलर देखा और दोस्तों YRF स्पाई यूनिवर्स का लोगों के साथ ट्रेलर शुरू होता है और दोस्तों इस ट्रेलर का इतना इंतजार किया जा रहा था। मुझे ट्रेलर देखने के बाद में निराशा ही हाथ लगी है कि दोस्तों एक कहावत थी कि खुदा पहाड़ निकली चुहिया, और वो वाली कहावत यहाँ पर बिल्कुल चरितार्थ होती हुई नजर आ रही है। क्योंकि दोस्तों ट्रेलर देखने के बाद में एक बात तो समझ में आ गई कि फिल्म के कंटेंट में बिल्कुल भी दम नहीं है, फिल्म की स्टोरी में बिल्कुल भी दम नहीं है। वो ही घिसीपिटी कहानी है, देशभक्ति के नाम पर एक पेट्रियोटिक फिल्म बनाने के नाम पर वही घिसीपिटे फार्मूले के साथ एक नई स्टोरी आपको पेश की गई है, जिसका लेबल जरूर नया है लेकिन कहानी बिल्कुल पुरानी है। वही एक आतंकवादी ग्रुप है, एक टेररिस्ट है जिसका नाम तो बताया नहीं गया, जॉन अब्राहम उसके मुखिया है। वो भारत में हमले कराना चाहता है और एक ऐसा हमला कराना चाहता है जो भारत ने कभी नहीं झेला हो। और वे उन लोगों का कोई मकसद नहीं है, कोई लक्ष्य नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम करते हैं, उनको तबाही मचानी है। अब इस तबाही से बचाए कौन? तो जैसा कि आमतौर से बॉलीवुड की फिल्मों में होता है कि एक हीरो होता है, उसको बचाना है, बाकी पुलिस वाले सेना का कोई मतलब नहीं है, उनका कोई काम नहीं है। यहाँ पे एक हीरो है, वो इन सबसे बचाएगा और उस हीरो का नाम है पठान यानी कि शाहरुख खान। और उनके साथ एक और हीरोइन भी है जिनका नाम है दीपिका पादुकोण, वो भी एक सोल्जर है। तो ये दोनों मिलकर के देश को तबाही से बचाएंगे। तो देशभक्ति का तड़का लगाया गया है और एक देशभक्ति के नाम पर एक वो ही एक ऐसी कहानी आपको दिखाई जाने वाली है जो आप इससे पहले कई फिल्मों में देख चुके हैं। जहां तक बात करें ट्रेलर की, तो ट्रेलर में कहीं आपको धूम की नजर आएगी, धूम फ्रेंचाइजी की नजर आएगी, कहीं पर आपको वार फिल्म नजर आएगी और कई सिक्वेंसेज जैसे लगेंगे एक्शन दृश्य जो आप इससे पहले भी कई हॉलीवुड की फिल्मों में या भारतीय फिल्मों में देख चुके होंगे। दोस्तों फिल्म के डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद है, तो वार की झलक तो डेफिनेटली यहाँ पे आने ही वाली है। साथ ही वे इस बात में भी माहिर माने जाते हैं कि कई बड़ी बड़ी विदेशी फिल्मों के एक्शन सिक्वेंसेज वो उठा करके ऐसे कि ऐसे जोकी त्यों डाल देते हैं, तो उन्हीं की नकल की हुई लगती है। जहां तक बात करें, तो मैंने आपको कंटेंट के बारे में बताया कि कंटेंट में दम नहीं है, स्टोरी में बिल्कुल दम नहीं है। जहां तक बात करें एक्शन सिक्वेंसेज की, तो कुछ एक्शन सिक्वेंसेज जरूर दमदार है, विशेषकर शाहरुख खान तथा जॉन अब्राहम का जो फेस ऑफ वाला जो उनका एक्शन सिक्वेंस है वो काफी खतरनाक लग रहा है, काफी अच्छा लग रहा है। उसके अलावा जो बर्फ के ऊपर आइस के ऊपर एक एक्शन सिक्वेंस फिल्माया गया है वो भी काफी जबरदस्त तरीके से फिल्माया गया है, हेलीकॉप्टर वाला सीन है। तो कई सीन ऐसे है जो दमदार है, लेकिन ये पूरी बात है वो फिल्म के बारे में नहीं कही जा सकती, ट्रेलर देख करके नहीं कही जा सकती है। BGM जबरदस्त है, BGM में कोई कमी नहीं है, म्यूजिक फिल्म का अच्छा है, कोई डाउट वाली बात नहीं है, लेकिन डायलॉग्स के बारे में ये बात नहीं कही जा सकती। डायलॉग्स वैसे ही है जो कि रूटीन डायलॉग है, जो आप पहले भी कई बार सुन चुके हैं। शाहरुख खान अंत में जय हिंद बोलते हुए दिखाई दे रहे हैं, इसके अलावा भाई ये कहते हुए भी नजर आ रहे हैं कि एक सैनिक ये नहीं सोचता कि देश ने उसके लिए क्या किया बल्कि उसने देश के लिए क्या किया, ये वो सोचता है। तो ऐसा डायलॉग है जो आप सबको याद है, मेरे हिसाब से आप कई बार ऐसे डायलॉग सुन चुके हैं। तो डायलॉग्स में कोई नयापन नहीं है यहाँ पर, एक्शन में भी कोई नयापन नहीं है, कुछ एक एक्शन सिक्वेंसेज को अगर आप छोड़ दें तो बाकी कुछ भी नयापन यहाँ पर नजर नहीं आता है। और दोस्तों जहां तक बात करें परफॉर्मेंस की, तो जॉन अब्राहम ही लग रहे हैं, कुछ भी ऐसा उनका अलग लुक नहीं है, अलग कोई रोल नजर मुझे नहीं आ रहा, मुझे तो धूम की याद आ रही है उनको देख करके। जहां तक शाहरुख खान की बात करें, तो उनको लुक जरूर अलग दिया गया है, अलग तरह के उनके बाल है और अलग तरह के मतलब उनके आप कह सकते हैं कि एक करेक्टर अलग तरह का है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर वे मुझे तो बिल्कुल भी प्रभावित करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। एक्शन सिक्वेंसेज में जरूर वे दमदार नजर आते हैं, बाकी ऐसा कुछ भी ऐसा नहीं है कि जितना इस फिल्म की हाइप बनाई गई थी, जितना इसका क्रेज बनाया था, जितना इसका बज बनाया गया था कि ये फिल्म आएगी बॉक्स ऑफिस फाड़ देगी, वो कर देगी, ये कर देगी, तो ऐसा तो कुछ भी इस ट्रेलर में नहीं है। क्योंकि दोस्तों कोई भी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सक्सेस तब होती है जब उस फिल्म की स्टोरी में दम हो, कंटेंट में दम हो। और ट्रेलर देखने के बाद में पूरी स्टोरी आपके सामने है, पूरी स्टोरी आपके सामने है, सब कुछ आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि फिल्म में क्या होने वाला है। टेररिस्ट ग्रुप है, भारत पे हमला करेगा, उसको पठान बचाएगा दीपिका पादुकोण के साथ मिलकर के, सीधी सी स्टोरी है। तो ऐसा कुछ भी ऐसा इंटरेस्टिंग प्लॉट नहीं है, इंटरेस्टिंग कंटेंट नहीं है और यहीं पर ये फिल्म मात खाने वाली है। मैं आपको बता दूं, चाहे आप कितने भी जबरदस्त एक्शन सिक्वेंसेज डाल दो, कितने भी VFX डाल दो, कितने भी आप जबरदस्त डायलॉग्स डाल दो, लेकिन दोस्तों सबसे जो मेन चीज होती है किसी भी फिल्म की वो होती है कंटेंट, स्टोरी, जो यहाँ पर बिल्कुल मिसिंग है। कुछ भी नयापन यहाँ नहीं है, सिद्धार्थ आनंद अपने आप को फिर से दोहराते हुए नजर आ रहे हैं। तो मुझे तो ये ट्रेलर बिल्कुल निराशाजनक लगा, जितनी उम्मीदें लेकर के मैंने ये ट्रेलर देखने की कोशिश की थी। जब मैं ट्रेलर देख रहा था तो मुझे लगा था कि मुझे ट्रेलर काफी अच्छा लगेगा, मैं 2-4 बार ट्रेलर को देखूंगा, लेकिन मैं आपको सच में बता रहा हूँ कि 2 बार से ज्यादा मैं इस ट्रेलर को नहीं देख पाया, क्योंकि मुझे ट्रेलर में कुछ इंटरेस्टिंग लगा ही नहीं, कुछ स्टोरी में कुछ में भी मजा आया ही नहीं।
तो दोस्तों मैं इस ट्रेलर को एवरेज रेटिंग दूंगा 2.5 स्टार आउट ऑफ 5। अगर आपने ये ट्रेलर देखा तो आप जरूर कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये ट्रेलर कैसा लगा। धन्यवाद दोस्तों, टेक केयर। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर लीजिएगा।